हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में, जिसका नाम है वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर, जिसे टीमो कियांडर ने लिखा है। ये एक क्विक रीड है जो आपके वर्किंग डे को इम्प्रूव करने के अलग अलग तरीके बताती है। इन टिप्स में कोई नई वैल्यूएबल कंप्यूटर स्किल सीखने से लेकर अपने वर्किंग पैटर्न्स और रिदम को समझना शामिल है। ये एक पढ़ने में आसान गाइड है जो किसी को भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगी। ये समरी हर उस इंसान के लिए परफेक्ट है जो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ क्विक टिप्स ढूंढ रहा है। प्रोडक्टिविटी कम टाइम में ज्यादा करने के बारे में है, ये आप किस तरह काम करते हैं उसके बारे में स्मार्ट होने के बारे में है, और इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम ऐसे 12 तरीके डिस्कस करेंगे जिनसे आप अपने वर्किंग डे को इम्प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है आज के बाद आपको सक्सेस को पाने के लिए उतनी मेहनत ना करनी पड़े। शायद आज के बाद ज्यादातर काम स्मार्ट वर्क के जरिए ही हो जाएं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्ट योर डे राइट, पर्सनल प्रोडक्टिविटी की एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए ये ब्लॉक्स अपनी जगह पर होने चाहिए। प्रॉपर माइंडसेट, फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और इनफ स्लीप। सबसे पहली टिप जो ऑथर शेयर करते हैं वह है सुबह जल्दी उठना सीखना। ये आपके दिन में ज्यादा टाइम ऐड करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और आपके दिन को एक बेहतर और प्रोडक्टिव शुरुआत देता है। हालांकि सुबह जल्दी उठना आपको कन्फ्रंटिंग लग सकता है, लेकिन यहां पर इसे इंप्लीमेंट करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है। 3-4 दिन के लिए रोज लगातार 15 मिनट जल्दी उठना शुरू करें। इस नए टाइम के आदी हो जाएं और आगे एडजस्ट करने के लिए फ्री फील करें। एक बार ये नया रूटीन लागू हो जाए, आपका नया स्केड्यूल भी आपके लिए ओपन हो जाएगा। इस टाइम को मेडिटेशन, एक्सरसाइज या पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। फाइंड योर ओन वर्किंग स्टाइल। कोई भी हर दिन पूरे टाइम फोकस नहीं कर सकता, इसलिए कुछ अलग रूटीन और टेक्निक्स ट्राई करें ये देखने के लिए कि आपके लिए क्या काम करता है। यहां पर कुछ सजेशन है। द पोमोडोरो टेक्निक। अपने वर्किंग डे को 25 मिनट के टुकड़ों में बांटें, साथ में 5 मिनट का ब्रेक रखें। जब 25 मिनट के 4 साइकिल पूरे हो जाएं, तो एक 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। 90 मिनट इंटरवल्स। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारा शरीर 90 मिनट की साइकिल में काम करता है। 90 मिनट के टाइम पीरियड पर फोकस करें, फिर इसके बाद 20 मिनट का ब्रेक लें और इसे पूरा दिन रिपीट करते रहें। 52:17, जैसा ये साउंड करता है, 52 मिनट काम करें, फिर एक 17 मिनट का ब्रेक लें और इसे रिपीट करते रहें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस जो आप एक वर्किंग डे के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं, कम्युनिकेशन टूल्स, लोग और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। कम्युनिकेशन टूल जैसे कि सोशल मीडिया और ईमेल का एक समय और जगह होती है, लेकिन जब आप अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको कुछ रूल सेट करने की जरूरत होती है। जैसे कि खुद को ईमेल को सिर्फ दिन में 2 बार चेक करने दें और 20 मिनट से ज्यादा नहीं। लोग एक दूसरा डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो हमारे ऑफिस के कलीग भी हो सकते हैं और इवन घर पर फैमिली के लोग। कुछ ऑप्शंस हैं, अपनी लोकेशन बदलना। अगर आप घर पर लगातार इंटरप्ट होते हैं, कोई कैफे या शेयर्ड वर्किंग स्पेस ट्राई करें। और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, कोई नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन ट्राई करें और लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। आखिर में इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कभी कभी ये काबू पाने के लिए सबसे मुश्किल है। एक भटका हुआ माइंड फूड, स्लीप या ब्रेक की कमी का रिजल्ट होता है। इंश्योर करें कि आपने अच्छे से रेस्ट लिया हुआ है, खाना खाया हुआ है और पूरे दिन के दौरान लगातार ब्रेक्स ले रहे हैं। प्लान एंड ड्रिंक अप। हमेशा अपने दिन को पहले से एडवांस में प्लान करें। एक दिन पहले कुछ समय निकालें ये लिखने के लिए कि अगले दिन आपके प्लान क्या हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप अगले दिन में एंटर करते हैं, आपको पहले से पता हो कि स्टार्ट करने के लिए एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। चीजों को लिखना आपको आपकी मेमोरी पर डिपेंडेंसी को भी खत्म कर देता है। दूसरा क्रूशियल एलिमेंट है अपने वर्किंग डे के दौरान इनफ पानी पीना। पानी पीने से आपके प्रोडक्टिविटी और आउटपुट पर कई बेनिफिट हो सकते हैं। लंदन में एक यूनिवर्सिटी ने पानी पीने से आपके ब्रेन पर होने वाले इफेक्ट को स्टडी किया और इस रिजल्ट पर पहुंचे कि हाइड्रेटेड होना आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस को 14% तक बढ़ा देता है। टास्क मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट टास्क को पहचाने और दिन की शुरुआत में उसे टैकल करने की इंपॉर्टेंस को समझें। अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन सा एक काम दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट कंसीडर करें।
कंप्लीट होने पर भी और कंप्लीट ना होने पर भी अगर किसी काम का आपके फ्यूचर पर काफी असर होने वाला है तो ये वो है जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हालांकि रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं दिखेंगे, वो इतने वर्दी हैं कि उन्हें जल्दी नहीं तो देरी से देखा जा सकता है। यहां पर एक टर्म है फ्रॉग्स, उन कामों के लिए जिन्हें आप वाकई में नहीं करना चाहते, ऐसे काम जिन्हें आप काफी ज्यादा टालते हैं और जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड करते हैं। ये वो टास्क हैं जिन्हें आपको इमीडिएटली करना है। आप अक्सर इन फ्रॉग्स को डर की वजह से खुद से दूर कर रहे हैं, बजाय खुद को इसके बारे में चिंता करने के इसको करके खुद के रास्ते से हटा दें। आप काफी हल्का महसूस करेंगे और अगले टास्क पर मूव कर पाएंगे। मीटिंग जरूरत से ज्यादा लंबी खींचती हैं और अक्सर आप खुद को सर्कल्स में फंसा हुआ पाते हैं। किसी भी मीटिंग को कमिट करने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्या आपको वहां होने की जरूरत है? क्या कोई तरीका है जिससे आप इसे वर्चुअली अटेंड कर पाए? क्या ये मीटिंग जरूरी भी है? क्या इस मीटिंग का कोई एजेंडा है? क्या इस मीटिंग पर कोई टाइम लिमिट सेट की जा सकती है? क्या आप चेक कर सकते हैं कि मीटिंग से पहले जो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो लगी हुई है और आपके शुरू करने से पहले फंक्शनल है? बैचिंग, उन सभी टास्क को एक बैच में किया जाए जो नेचर में एक जैसे हैं, जैसे जब भी कोई नोटिफिकेशन आपको मिले तब अपने मेल चेक करने ना लग जाएं, उन्हें छोड़ दें और पूरे दिन में कुछ ही बार आप ईमेल पढ़ें और उनका रिप्लाई करें। आप 3 बार से ज्यादा ईमेल चेक ना करें, सुबह जल्दी, मिड डे में और ऑफिस से निकलने से पहले। फोन कॉल्स के लिए भी ऐसी ही अप्रोच को यूज करें। कुछ और ईमेल टिप्स भी हैं, ईमेल आते ही उसे चेक ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क में लगे रहें, उसके बाद इसे चेक कर सकते हैं। जब आप ईमेल यूज नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बंद कर दें, ईमेल्स के नोटिफिकेशंस को भी बंद कर दें। अपने ईमेल्स पर एक ऑटो रिप्लाई ऐड करें जो ये एक्सप्लेन करता है कि आप अपने ईमेल को दिन में 2 या 3 बार ही चेक करते हैं और इमीडिएट रिप्लाई एक्सपेक्ट ना किया जाए। डेलीगेशन वर्कप्लेस में बहुत जरूरी है। जब इसे सही से किया जाता है तो ये हमारे वर्कलोड को कम कर देता है और ये इंश्योर करता है कि आपके पास जरूरी कामों के लिए अच्छा खासा टाइम है। जब बात डेलीगेशन की आती है तो ये इंश्योर किया जाए कि दूसरे को काम देते समय जरूरी डिटेल्स और निर्देश दिए जाएं। आप किसी भी मिस्टेक की अपॉर्चुनिटी को दूर करना चाहते हैं। इसे करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि खुद उन स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके देखें कि वो क्लियर हैं। दूसरी चीज नोट करने के लिए यह है कि आपको हमेशा एक डेडलाइन देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी इस काम को कर रहा है उन्हें अपनी टाइम लिमिट्स का पता हो। खुद के लिए एक फॉलोअप टास्क रखें ताकि आप चेक कर सकें और मेक श्योर कर सकें कि सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है। टेक एनर्जाइजिंग ब्रेक्स। अपने ब्रेक्स को कंप्यूटर स्क्रीन को घूरने में खर्च करने की बजाय अपने ब्रेक्स को इस तरह से यूज करने की कोशिश करें कि ये आपको एनर्जाइज और रिफ्रेश महसूस करवाए। ब्रेक्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। आप एक कप चाय या एक हेल्दी स्नैक बनाएं, बाहर फ्रेश हवा लेने जाएं और अपने ब्लॉक में घूम लें या अपने कलीग से बात करने के लिए कुछ समय निकालें जो आपके काम से रिलेटेड ना हो। चेकलिस्ट। हम सभी जानते हैं कि एक चेकलिस्ट क्या होती है, लेकिन ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि चेकलिस्ट के कुछ टाइप्स होते हैं। इससे पहले कि आप अपनी लिस्ट में लिखें, ये पहचानना जरूरी है कि कौन सा मेथड आप यूज करेंगे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो सके। रीडू। ये एक रेसिपी की तरह है। आप लिस्ट पर एक एक्शन को पढ़ते हैं और दूसरे टास्क पर जाने से पहले आप उसे कंप्लीट करते हैं। डू कन्फर्म। इसके लिए जरूरत होती है मेमोरी से एक टास्क को करना और आखिर में इसे चेक करना, ये इंश्योर करने के लिए कि आपने इसे सही से किया है। की टिप ये है कि अपनी लिस्ट को अप टू डेट रखें और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव करें। अगर पॉसिबल हो तो इसे लगातार चेक करते रहें। प्री हॉलीडे। एक छुट्टी लेना कुछ ऐसा है जिसकी तरफ हम सभी देखते हैं, लेकिन काम की तरफ लौटने की थॉट आमतौर पर भयानक होती है। इससे बचने के लिए आप काम छोड़ने से ठीक पहले जिस पर आप काम कर रहे हैं उसका एक स्नैपशॉट ले लें। इसका मतलब ये है कि जब आप वापस आएंगे आप वही काम आसानी से शुरू कर पाएंगे जहां आपने इसे छोड़ा था। यह आपके रूटीन को एकदम नॉर्मल कर देगा। कंट्रोलिंग योर वर्क। आपको एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए। जब एक बड़े टास्क को फेस कर रहे हो तो उसे छोटे छोटे एक्शनेबल टास्क में तोड़ दें। तब आप एक के बाद एक करके इन टास्क पर फोकस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपने एंड गोल की तरफ काम कर रहे हैं। एंश्योर करें कि आपके सभी टास्क के लिए एक एग्जीक्यूशन प्लान हो।
और जब आप उन पर फोकस कर रहे हों सभी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें, साथ साथ ना कहने की इंपॉर्टेंस को भी समझें। कभी कभी आपके पास बहुत सारा काम करने को होता है और ज्यादा के लिए एग्री करना आपकी हेल्प नहीं करने वाला। अगर कोई आपसे कुछ करने को कहता है और आपके पास बहुत सारा काम पहले से पड़ा है, उन्हें अपनी सिचुएशन समझाएं और उन्हें एक टाइम फ्रेम दें जिसमें अपने काम को किया जाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह उनकी एक्सपेक्टेशन मैनेज होती हैं और आप पूरी तरह से हारा हुआ फील नहीं करते हैं। अपने टाइम को लेकर पेसिमिस्ट बने रहें। अगर आप अपने काम को जल्दी से फिनिश कर लेते हैं तो आप किसी और काम में इंगेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और ओवर टाइम करते हैं, आप सिर्फ स्ट्रेस्ड और पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठने और अपने दिन की अच्छे से शुरुआत करने की कोशिश करें। अपने दिन को स्केड्यूल करने का बेस्ट तरीका ढूंढें। रेगुलर वर्किंग सेशंस और छोटे ब्रेक इंटरवल्स के साथ अपने ब्रेक्स को अपने फायदे के लिए यूज करें। कुछ फ्रेश एयर या हेल्दी स्नैक लेकर यह आपको रिफ्रेश करके री एनर्जाइज करेगा। सीखें कि किस तरह से डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड किया जाए। ईमेल को सिर्फ 2 से 3 बार चेक करें और नोटिफिकेशन को बंद कर दें। एक जैसे काम को साथ में बैच कर लें। अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पहचान कर और उन्हें पहले टैकल करके अपने काम को मैनेज करें। कमिट करने से पहले कंसीडर करें कि कोई मीटिंग होना सबके टाइम का अच्छा यूज हो। अच्छे से डेलीगेट करना और इसे अपने फायदे के लिए यूज करना सीखें। अपने काम को ब्रेक डाउन करके इसे काम करने लायक स्टेप में बांटकर इसे कंट्रोल करना सीखें और ओवर कमिट ना करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।